कटनी से एक मामला सामने आया है जहां स्कूल में फाइलेरिया की दवा देने के बाद करीब 2 दर्जन बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है दवाई देने के बाद बच्चों को चक्कर आए और उल्टियां भी होने लगी, जिसके बाद तुरंत बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। विजय राघवगढ़ के घुनौर एवं रजवाड़ा नंबर 1 के शासकीय स्कूल में बच्चों को फाइलेरिया की दवा का सेवन करवाया गया, जिसके बाद लगभग 2 दर्जन बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। अधिकांश बच्चों को चक्कर आने लगे और कुछ बच्चों को उल्टियां भी हुई, जिसके बाद आनंद फानंद में बच्चों को विजय राघवगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 3 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें उपचार के लिए कटनी रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रविवार नंबर स्कूल पढ़ती रही, सरकारी स्कूल में जो गोली मिली रही, तो उसी से मतलब वो चक्कर वक्कर आए हैं, उल्टी आखा के चढ़ाने लगी है, फचूका डांटती है, फाइलेरिया की गोली बोलती है। अच्छा, कल न्यूज मिली थी कि कुछ बच्चे जो है जिनको उल्टी हो रही है, जी मिचलाना हो रहा है, इसकी वजह से कल लगभग 20 बच्चे जो है बिजरावगढ़ रजरवाड़ा गांव के वहां एहतियातन के तौर पे एडमिट करे गए थे। उन्होंने गोली का सेवन 10 तारीख को किया गया था। अमूमन 24 घंटे के बाद जो है उनको इस तरह के सिम्टम को लेके वहां भर्ती किया गया था। बट MDA की दवा एकदम पूरी तरह से सेफ है। कभी कभी ये होता है कि इसमें उल्टी आना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जी मिचलाना भी हो सकता है कॉमनली, बहुत मामूली से साइड इफेक्ट हैं, दवा पूरी तरह से सेफ होती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।